नहीं वहां ज्योत जलाऊं मैं कैसे।
भोली वैष्णो मैया की, भोली ज्वाला मैया की। अगर भजन अच्छा लगा हो तो जरा जोरदार करता हूँ भगवती, वो सारे वरदान आप सभी भक्तों को प्रदान करें। देखिए जब जागरण शुरू हुआ यहाँ से वहां तक खचा खच भरा हुआ था, वो सारे लोग यहाँ क्यों नहीं रुक पाए? इसलिए नहीं रुक पाए कि उनके भाग्य में वो फल था ही नहीं, और जिनके भाग्य में था वो भी देखना सुबह तक भी आ गया। बार अनुरोध करता हूँ, डांट भी देता हूँ बीच में कि कोई व्यवधान न उत्पन्न करिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। इसलिए बार बार आपसे निवेदन है कि शांत भाव से बैठे। इस बच्चे के पैर इधर मत करो बेटा, इसको ठीक करो, इधर को बैठ दिए बेटा, ठीक से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, जोता वाली तेरी रैन जागांगे, मेहरा वाली तेरी रैन जागांगे। पहले पहर तेरा करूं मैं भजनवा, करूं मैं भजनवा, करूं मैं यगनवा, जो कंठ का दान मैया जी, अपने भक्ता को अपने संता को। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, बोलिए भाई साथ में तभी आनंद आएगा। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, जोता वाली तेरी रैन जागांगे, दूजे पहर तेरा करूं मैं भजनवा, करूं मैं भजनवा, करूं मैं यगनवा, तीजो नाम का दान मैया जी, अपने भक्ता को अपने संता को। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, जोता वाली तेरी रैन जागांगे, तीजे पहर तेरा करूं मैं भजनवा, तीजे पहर तेरा करूं मैं भजनवा, करूं मैं भजनवा, करूं मैं यगनवा, तीजो अन्न धन दान मैया जी, अपने भक्ता को अपने संता को। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, जोता वाली तेरी रैन जागांगे, चौथे पहर तेरा करूं मैं भजनवा, करूं मैं भजनवा, करूं मैं यगनवा, जो मुक्ति का दान मैया जी, अपने भक्ता को अपने संता को। शेरा वाली तेरी रैन जागांगे, जोता वाली तेरी रैन जागांगे, मेहरा वाली तेरी रैन जागांगे, लाटा वाली तेरी रैन जागांगे। पुलिस सच्चे दरबार की चार चार प्रहर और चार प्रकार के वरदान। पहला वरदान महारानी से भक्तों ने मांगा कि जब भी धरती पर मेरा जन्म हो मेरे कंठ में सुंदर सी आवाज देना, मीठी सी आवाज देना, ताकि आपका भजन, आपका गुणगान, आपका कीर्तन कर सकूं। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो जन्म से ही गूंगे होते हैं, उनके मुख में आवाज नहीं होती। महारानी हमें वैसा मत बनाना, सुंदर सा मीठा सा कंठ देना। दूसरा दान मांगा नाम का दान कि मां जब जन्म होगा मेरे बुजुर्गों द्वारा, मेरे माता पिता द्वारा कोई ना कोई मेरा नाम रखा जाएगा, जो भी नाम मेरा रखा जाए उसे ऐसे सत्कर्म करवाना कि मेरी यश और कीर्ति चारों तरफ फैल जाए, मुझे ऐसा नाम प्रदान करना। तीसरा दान मांगा अन्न धन का दान कि जब धरती पर आऊंगा मेरा ब्याह होगा, शादी होगी, परिवार होगा, महारानी इतना अन्न धन देना कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, और द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो उसको भी दो रोटी खिला सकूं। चौथा और अंतिम दान मांगा कि हे भगवती, हे महामाया,
जब मेरे सारे कार्य पूरे हो जाए, मेरी जिंदगी का अंतिम पड़ाव आए, मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊं, तो मुझे मुक्ति प्रदान करना 84 लाख योनियों में भटकने के लिए पुनः मुझे इस धरती पर मत आना। महारानी ये सारे वरदान आप सभी भक्तों को प्रदान करें। माँ भवानी आप सबकी छोड़िया भरे। बोली जगदम्बा मैया की, बोली सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम दो कथाएं होती हैं जागरण में। पहली बाबा नंदलाल जिन्होंने महारानी को अपना शीश काट के अर्पण किया, महारानी ने उनका शीश पुनः उनके धड़ से जोड़ा और नया जीवन दिया। ऐसे अनन्य बाबा नंदलाल की कथा सबसे पहले रखूंगा, तत्पश्चात तारा रानी की कथा आपके सम्मुख रखी जाएगी। नंदलाल जी दिल्ली के पास नरेला नाम का एक गांव, वहां के रहने वाले थे बाबा नंदलाल। वो गांव तब भी था, आज भी है। दिल्ली से पानीपत की तरफ जब चलेंगे 40 किलोमीटर पड़ेगा दिल्ली से, और पानीपत से करीब 12 किलोमीटर पहले नरेला नामक वो स्थान तब गांव हुआ करता था, आज बहुत बड़ी मंडी है, एक बहुत बड़ा शहर है, जैनियों का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र है जिसे कहते हैं नरेला। वहां के रहने वाले थे बाबा नंदलाल। जात के कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना यही उनका पेशा। बचपन से उन्होंने एक नियम बना लिया, महारानी के दरबार पैदल जाना और पैदल आना। जब भी नवरात्रि आते बाबा नंदलाल महारानी के दरबार पैदल जाते और पैदल वापस आते। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बाबा नंदलाल का वो नियम वो क्रम नहीं टूटा। बाबा नंदलाल हर बार महारानी के दरबार जाते रहे। वृद्धावस्था आई, बहुत सारे रोग आए, शरीर वृद्ध हो गया, चलने फिरने में परेशानी होने लगी, लेकिन नंदलाल जी कहा मानने वाले महारानी के अनन्य भक्त निराले भक्त। जैसे ही नवरात्र आते बाबा नंदलाल तैयारी करके महारानी के दरबार चले जाते। नवरात्र आए, बाबा नंदलाल ने तैयारी शुरू की, उनके गांव के पड़ोसियों ने रिश्तेदारों ने सब ने रोका कि महाराज कहां जाओगे, वहां जाओगे कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गए तो आपकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। बाबा नंदलाल कहने लगे कि मुझे अटल विश्वास है, मैं जिसके भवन जिसके द्वार जा रहा हूं वही मेरी रक्षा वही मेरी सुरक्षा करेगी, आप व्यर्थ में चिंतित न हो। इतना कह के बाबा नंदलाल महारानी के दरबार के लिए चल दिए। मैं आपको बताऊं यहां भी ऐसे वाक्य जो भगत जन सच्चे भाव से बैठते हैं उनके साथ घटते रहते, उन्हें अनुभव मिलते रहते। हमारे चाचा जी गुरु जी आदरणीय चमन जी सरकारी सेवा छोड़ करके जागरण पंथ में आ गए। जब इन्हें जागरण करने में परेशानी होने लगी, बहुत पुरानी बात है, हम शायद धरती पर नहीं आए होंगे, जब इन्हें नौकरी के कारण जागरण करने में परेशानी होने लगी, सरकारी नौकरी को त्याग दिया और जागरण की लाइन में आ गए। ऐसे दीवाने भगत कोई छोड़ता सरकारी नौकरी नहीं। 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में हम भी इस लाइन में आ गए, महारानी की सेवादारी में आ गए। हमारे घर में कोई पंडिताई नहीं होती, ना हम पंडिताई करते हैं, है ना, कथा बांचना ऐसा कोई काम नहीं मेरा, सिर्फ एक सेवादारी इसी दरबार की है, बाकी किसी के औकात नहीं कि मुझसे कहीं कोई सेवादारी करा ले, सिर्फ इसकी सेवा करता हूं। और इस भवानी से जो कुछ विमानता चला गया सब कुछ छोड़ देती चली गई 18 वर्ष की उम्र। ये दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि आंखें खोलो, अगर किसी की बंद हो तो खोल डालो, सच्चे भाव से मांगना शुरू कर दो, झोलियां भर जाएंगी, इतना देगी कि रखने की जगह नहीं होगी। ठीक 18 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी में आए, 3 नौकरियां छोड़ के अभी तीसरी नौकरी चल रही मेरी, एक नहीं मिलती तीसरी है, 2 बेटे हैं, भगवती की कृपा से एक सेवा में आ गया, दूसरा तैयारी में है, बहुत जल्दी मैया की कृपा उस पर भी होने वाली है ना। जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन यहां बड़ी बड़ी चूनर चढ़ाने से बहुत बड़ा प्रसाद चढ़ाने से मिलने वाला नहीं मिलेगा। जब सच्चा भाव अर्पण कर दोगे महारानी को, अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भाव जिस दिन पैदा हो गया सब कुछ मिल जाएगा। और हंसी चिटोली करना है तो जिंदगी भर करते रहना, मिलने वाला कुछ है ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की।
एक नहीं एक हजार वाक्य मैं बता सकता हूँ, मेरे जीवन में घटी घटनाएं बता सकता हूँ। 20 लोगों को लेकर के हम चले गए महारानी के दरबार। नवमी का दिन था, दर्शन किए जाते समय सबने कह दिया गुरु रुकेंगे कहाँ। तो हमने अजीब बात कर दी भैया तुमने, वही नंदलाल वाली बात हमें याद आ गई। हमने कहा जिसके जबरदस्त जा रहे हो गुरु की व्यवस्था करें, दिखाने की व्यवस्था काय परेशान। सब कह रहे हैं आप तो ऐसे करो जैसे वहां व्यवस्था पहले से रखी। हमने कहा देख, अटल विश्वास था उसमें। तमाम ऐसे थे बेचारे गरीब भी थे, कोई कोई ठेला भी लगाता था, कोई पान की दुकान भी लगाता था। हम तो भक्ति की कृपा है 2000 रुपए के किराया दे देते, एक दिन का कमरा ले लेते। लेकिन जिनके साथ गए हैं रहना उनके साथ, हमने निश्चय कर रखा था कहीं नहीं मिलेगा, रोड पर सोएगा। और नौवीं में कितनी भीड़ होती है आप जान सकते हो। लौट करके आए हैं, होटल के कमरे हमको मिल गए और 2000 रुपए में 2 दिन हम लोग रुके हैं। 20 लोग 5 कमरों में, कूलर लगे हुए कमरे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। संभव था क्या नौवीं में? लेकिन दरबार में मैया पे आस करके गए थे, विश्वास करके गए थे, सब कुछ उन्होंने दिया। जो खाना चाहोगे वो मिलेगा, जो पहनना चाहोगे वो मिलेगा, जो कुछ चाहोगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन अटल विश्वास पैदा करना होगा, वो भाव पैदा करना होगा। जैसे अपनी माँ से मांगते हो, अपने पिता से मांगते हो, जितना सम्मान उनका करते हो, उन्हें जरा सी तकलीफ होगी तुम्हें भी हो जाएगी, वैसे भाव पैदा करो, सब कुछ मिलने वाला। बोलो सच्चे दरबार। बाबा नंदलाल पहुंच गए कटरा, कुछ दिन की यात्रा के पश्चात कटरा पहुंचे। और पहुंचने के बाद में थोड़ा सा विश्राम किया, बाण गंगा में स्नान किया और फिर धीरे धीरे त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई चढ़ने लगे, जहां महारानी माँ वैष्णो देवी का धाम जहां स्थान है वहां की चढ़ाई चढ़ने लगे। आज के जमाने में बहुत अच्छे रास्ते बन गए, खूब सीढ़ियां बन गई हैं, स्लोप बन गए हैं, पैसे जेब में ज्यादा हो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। वो जमाना और था, वो समय और था, बहुत पुरानी बात है, कोई रास्ता था नहीं। झाड़ियों झुरमुटों को काट करके, पत्थरों को पकड़ पकड़ करके धीरे धीरे लोग दरबार तक पहुंचते थे। गिनती के लोग दरबार तक पहुंच पाया करते थे। बाबा नंदलाल भी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया कि नंदलाल जी से एक कदम भी बढ़ा न जाए, एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा, पांव में छाले पड़े, पांव से खून बह रहा, इतनी तकलीफ इतना दर्द। थोड़ा दूर और ऊपर चढ़े, सीने में दर्द होने लगा, धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि नंदलाल एक कदम भी न चल पाए। एक पत्थर पर बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए। महारानी को याद किया, मैया यहां तक तो ले आई हो, अब दर्शन भी दे दो, अन्यथा अब अपने गांव जाऊंगा और ये बताऊंगा कि बिना दर्शन के लौट आया हूं, तो भवानी मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, बड़ा अपयश होगा। मां मैं तो आपके भरोसे आया था, यही कह के आया था कि मैया मुझे दर्शन देगी, जहां जा रहा हूं वही सारी व्यवस्था मेरी करेगी। मां मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। इतना कह के नंदलाल जी उसी पत्थर पर मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गए। मां भवानी के कानों में अपने लाल की आवाज गूंजी। मैया ने कन्या का रूप धारण किया और कन्या का रूप धारण करके पहुंच गई बाबा नंदलाल के पास। नंदलाल के शीश पर हाथ फेरा, नंदलाल जी उठ के बैठ गए। कन्या पूछने लगी, बाबा यहां क्या कर रहे हो? नंदलाल जी ने बताया कि मैं महारानी के दर्शन को जा रहा था, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, सीने में बहुत दर्द था बेटा, इसलिए मैं यहां मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गया। बाबा आप कैसा लग रहा है? कन्या ने पूछा। बाबा नंदलाल कहते हैं, अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो ठीक है मेरी उंगली पकड़ लो, मैं भी महारानी के दरबार जा रही हूं, आप भी मेरे साथ दरबार चल सकते हैं। बाबा नंदलाल ने कन्या की उंगली पकड़ी और धीरे धीरे चलते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए महारानी के दरबार पहुंच गए। पुजारी जी ने जैसे ही उनको देखा, तत्काल एक प्रश्न कर दिया कि महाराज आप विलंब से कैसे आए? आप तो हर बार समय से आ जाते थे, आपकी बार विलंब कैसे हो गया? नंदलाल जी ने सारी बात बताई। बोले फिर आए कैसे? बोले आए क्या, एक कन्या मुझे मिल गई जो मेरे पीछे ये खड़ी है, उसी कन्या के साथ मैं यहां तक आया हूं। पुजारी जी ने कहा, कहां है कन्या? बाबा नंदलाल घूम के देखते, पीछे कन्या दिखाई न दी। कन्या रूपी माँ अपनी मूर्तियों में, अपनी पिंडियों में अंतर्ध्यान हो गई। पुजारी जी सारी बात समझ गए, बाबा नंदलाल कन्या को ढूंढने लगे। पुजारी जी ने कहा कि महाराज परेशान ना हो, छोटी बच्ची कहीं खेल रही होगी, आप बहुत थक के आए हो, विश्राम करो, भोर में आरती और प्रसाद के बाद फिर आप अपने घर के लिए प्रस्थान करना।
बाबा नंदलाल रुकते हैं, महारानी के दर्शन करते हैं। भोर में आरती और प्रसाद के बाद जब चलने लगे, आंखों में आंसू भराए, महारानी की मूर्ति के आगे खड़े हुए, हाथ जोड़े, भैया मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करना, अब मुझे नहीं लगता कि शरीर को लेकर के दोबारा मैं आपके दर्शन कर पाऊं। महारानी से रो रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। जब भी हम कभी अपने किसी प्रियजन से बिछड़ते हैं, उससे बिछड़ने का समय आता है तो आंखों में आंसू सबके आई जाते हैं। हम जिसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी। बाबा नंदलाल का प्रेम महारानी के प्रति वैसा ही था। हाथ जोड़े प्रार्थना की, पुजारी जी ने देखा, कहने लगे नंदलाल क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? नंदलाल जी ने बताया कि महाराज बात यही है कि मुझे नहीं लगता कि शरीर से दोबारा यात्रा कर पाऊंगा, महारानी के दर्शन कर पाऊंगा। क्यों रोते हो? मैं एक तरीका बताता हूं, तुम इसको अपनाना, ये मां भवानी तुम्हें दर्शन दे दे तो मैं तुम्हारे घर आएगी। नंदलाल जी ने कहा कि महाराज ठीक है, जल्दी से वो तरीका मुझे बता दीजिए। पुजारी जी ने उनको तरीका बताया, प्रार्थनाएं अपने घर आंगन को गाय के हरे हरे गोबर से लिखवा देना, महारानी की चौकी सजाना, आसन सजाना, मां ज्वाला की ज्योत का प्रकाशमान करना, भवानी की मूर्ति लगाना और मां भवानी के सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करना। सच्चे मन से भैया को याद करोगे, भैया दर्शन देने तुम्हें तुम्हारे घर जाएगी। नंदलाल जी कहते हैं महाराज ऐसा कैसे संभव होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते रहे, कभी इस तरह के साक्षात दर्शन महारानी ने न दिए, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के साथ ऐसा कैसे संभव है? पुजारी जी ने बताया कि देखो तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ और महारानी ने कन्या रूप रख करके तुम्हारी उंगली पकड़ी और तुम्हें दरबार तक लेकर के आई, ये तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। इसीलिए पूरे विश्वास से कहता हूं, तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि सच्चे मन से याद करोगे तो भवानी दर्शन देने तुम्हें तुम्हारे घर जाएंगे। नंदलाल जी प्रसन्न हो गए, धीरे धीरे तैयारी की और अपने घर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पास पश्चात अपने गांव, कौन सा गांव था बाबा नंदलाल का, नरेगा। वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक स्कीम शुरू की थी नरेगा, वो नरेगा है, ये नरेला है, नरेला, फिर से याद कर लो, फिर पूछेंगे, नरेला। अपने गांव नरेला पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनके जैसे ही पहुंच गए, सारे सगे संबंधी साथी नाते रिश्तेदार गांव के आस पड़ोस के सभी लोगों ने घेर लिया, महाराज यात्रा कैसी रही? महाराज ने यात्रा का पूरा वृत्तांत बताया, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है कोई बात छिपा नहीं पाता, जो कुछ उसके मन में है आप उसके मन की पूरी बात जान जाओगे। सारी बात नंदलाल ने बता दी, साथ ही ये भी बता दिया कि मां भवानी ने मुझे दर्शन देने की बात कही है कि अगर मैं दरबार न पहुंच पाऊंगा अगले नवरात्रों में तो मैया दर्शन देने मुझे मेरे घर आएगी। जिसने जिसने सुना सब ने हंसी उड़ाई, क्योंकि इस कलयुग में किसी को विश्वास होता ही नहीं कि ऐसा भी संभव है क्या। सबने हंसी उड़ाई, लेकिन नंदलाल जी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, फिर से अपने काम में लग गए, वही मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना, नंदलाल जी अपने कार्यों में लगे हुए। धीरे धीरे समय बीता, फिर से नवरात्र आए, फिर से नवरात्र आए, और जैसे ही नवरात्र आए बाबा नंदलाल ने तैयारी शुरू कर दी। उधर बाबा नंदलाल तैयारी शुरू करते हैं और उधर उनके पड़ोसी घेर लेते हैं, आकर के अरे महाराज कहां चल दिए? बोले दरबार की तैयारी कर रहे हैं। क्या करोगे जाकर के, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, यही सारी व्यवस्था करके बैठ जाओ, आप तो दर्शन पाओगे ही भैया का, आपकी वजह से हम भी पा जाएंगे। जैसे भैया जगराता कराते हैं तो तमाम लोग पूछने जरूर आते हैं, भैया कब है, भैया कब है ना,
कि आप तो पाओगे ही दर्शन, आपके वजह से हम भी पा जाएंगे। बाबा नंदलाल ने कहा ठीक बात है, आप सबकी यही इच्छा तो ऐसा ही होगा। सारी व्यवस्था नंदलाल ने वैसे ही कर ली, बैठ गए भैया को मनाने के लिए, परिवार के दल से बैठ गए, कलश स्थापित करके जो जगा करके महारानी की मूर्ति लगाई, आंगन लिखवाया, आसन सजाया और बैठ गए भैया को मनाने। रोज अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होते, भजन कीर्तन शुरू हो जाते, सायंकाल आरती के पश्चात भजन कीर्तन बंद होते, शयन करते, विश्राम करते, भोर में फिर उठते और फिर शुरू हो जाते भजनों में, इतने लीन इतने मगन, अष्टमी आ गई और बाबा नंदलाल अपने आनंद में ही मगन है, भजनों में ही मगन है, मैया के दर्शन न हुए। नंदलाल को तो याद भी नहीं कि हम दर्शन करने के लिए बैठे, नंदलाल तो भजनों में लगे, लेकिन वो जो पड़ोसी है उन्हें तो सब कुछ याद है। वो तो नंदलाल की परीक्षा लेना चाहते, देखना चाहते कितने सच्चे भगत है नंदलाल। अब पीछे से पुसर पुसर चालू हो गई, कोई नंदलाल को भला बुरा कह रहा है, कोई भैया को भला बुरा कह रहा है, कोई ने ढोंगी बता रहा है, जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल। बाबा नंदलाल के कानों में आवाज पड़ी, बहुत दुखी हुए, महारानी के चरणों में नतमस्तक हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महारानी से कहने लगे, माँ अगर आना नहीं था, अगर दर्शन नहीं देना था तो इतना बड़ा आश्वासन मुझे क्यों दिया, मेरा जरा सा स्वास्थ्य खराब हुआ, आपने कन्या का रूप धर के मेरी उंगली पकड़ के मुझे दरबार तक पहुंचा दिया, और आज जब मेरा मान सम्मान मेरी इज्जत दांव पे लगी है माँ, तो दर्शन क्यों नहीं दे रही हो, मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो, अन्यथा आज मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, शपथ उठाता हूँ कि आज अगर दर्शन न दे दिए भी अपना शीश काट के आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा, ये मैं अपेक्ष वाली जिंदगी, बेइज्जती वाली जिंदगी नहीं जीऊंगा। प्रण कर लिया नंदलाल ने, नंदलाल का सच्चा प्रण महारानी के कानों में गूंजता है। आधी रात का वक्त है, महारानी ने बजरंगबली को आवाज लगाई, सिंह सजाया, बजरंगबली आगे आगे, भैरव बाबा पीछे पीछे, पूरी सवारी महारानी की चल दी नंदलाल के गांव नरेला के लिए। नंदलाल के गांव नरेला पहुंच करके सिंह ने, जैसे ही बाबा के द्वार पर पहुंचता है नंदलाल के द्वार पर, बड़े जोड़ों की दहाड़ लगाई, और जैसे ही दहाड़ लगाई तो जितने भगत जन वहां बैठे हुए थे, जिनके मन में शंका थी, सब के सब इधर उधर भागने लगे, सबको शेर का मुंह दिखाई दिया, और बाबा नंदलाल बड़ी जोर से द्वार की तरफ दौड़े, सबको समझाते हुए कि बैठ जाओ बैठ जाओ भैया, शेर नहीं आया, शेर पे सवार होके शेरा वाली माँ ही है, बोलो शेरा वाली भैया की। अच्छा सच्ची बात बताना, मूर्ति किसको किसको सुंदर लग रही है, लग रहा ना कि भगवती विराजमान है, साक्षात है ना, बस उसी आनंद में रहो, ईमानदारी से जो कुछ मांगोगे मिलने वाला है, इसमें दोहरा नहीं। बाबा नंदलाल दौड़े, बैठ जाओ भैया परेशान ना हो, सिंह नहीं आया, सिंह पे सवार होके शेरा वाली माँ आई, जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिर जैसी, बाबा तुलसीदास ने लिखा और बिल्कुल सच्चा लिखा है। रावण शत्रु मानता था, भगवान उससे शत्रु भाव में मिले, सुग्रीव ने मित्रता की, मित्र माना भगवान, उस भाव में मिले, बजरंगबली ने प्रभु माना, खुद को सेवक माना, भगवान उसे प्रभु के रूप में मिले, सबरी ने माता की तरह प्रेम किया, जैसे एक माता बच्चे को कड़वा नहीं खिला सकती, सबरी भी खट्टे बेल किनारे रख रही है और मीठे मीठे बेल चुनके अलग रख रही है, आपको कोई बेल काट काट के खिलाए खाओगे क्या, खाओगे, कोई नहीं खाएगा, ऐसे होते हैं प्रभु, ऐसे होते हैं ईश्वर, ऐसी होती है माता, यही कहता हूं, खाली भाव उत्पन्न करो, देखो भगवती के साक्षात दर्शन न हो जाए तो कहना बोलो सच्चे दरबार की। बाबा नंदलाल आते हैं द्वार पर, महारानी को लेकर के अपने भवन में गए, जो सिंहासन जो आसन महारानी के लिए सजाया था लगाया था उस पर महारानी को विराजमान किया, और विधिवत सेवा अर्चना की महारानी की बाबा नंदलाल ने, और किस प्रकार से महारानी की सेवा कर रहे हैं नंदलाल जी, मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, एक गीत रख रहा हूं साथ में, सभी लोग बोलिएगा आगे से पीछे तक, बड़ा आनंद आने वाला है। महारानी बाबा के भवन में विराजमान हो गई और महारानी की सेवा बाबा नंदलाल किस प्रकार से कर रहे हैं। महारानी आई अंगनवा, मुरी जगदम्बा आई भवनवा।